हम लोकसभा में 44 हो सकते हैं, लेकिन पांडव कभी कौरवों के आगे डरेंगे नहीं। ये शब्द कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के हैं। आज उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर रहते एक वर्ष बीते हैं। जी हाँ, कुल एक वर्ष बीते हैं, लेकिन त्याग, तपस्या, समर्पण और विश्वास दशकों का है। भरोसा इस देश की तीन तीन पीढ़ियों का है, नेहरू इंदिरा से लेकर राजीव सोनिया और राहुल तक। मल्लिकार्जुन खड़गे जी वो दुर्ग रहे जिन्होंने दक्षिण से लेकर उत्तर और पूरब से लेकर पश्चिम तक संगठन को सवारा, निखारा और मजबूत किया। आज जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना एक साल पूरा कर रहे हैं, तब हम याद करेंगे भारत जोड़ो यात्रा को मिले अपार जन समर्थन को, हिमाचल और कर्नाटक चुनाव में मिली प्रचंड जीत को। आज जब हमारे आगे तेलंगाना, मिजोरम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नतीजे कांग्रेस के उदय को प्रकाशित कर रहे हैं, आज जब हम प्रचंड जीत के साथ राजस्थान की चुनावी परंपरा को खत्म करने जा रहे हैं, तब हम कर्नाटक के गुलबर्ग जिले के रहने वाले उस 5 साल के बच्चे के संघर्ष को याद करेंगे, उसकी पीड़ा को महसूस करेंगे, जिसकी आंखों के सामने उसकी माँ और बहन को आग के हवाले कर दिया गया। खड़गे जी का सफर भले ही कांटों से भरा रहा हो, लेकिन उनकी मंजिल ने कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं के भीतर हिम्मत, साहस और सब्र की ठोस इबारत पेश की है। आज जब वो बोलते हैं, तब उनके कद, उनकी आवाज, उनकी उपस्थिति के वजन से इस देश के कोने कोने में हाशिए पर खड़ा हर वो दलित आदिवासी गर्वान्वित महसूस करता है जिन्हें खड़गे जी ने बल दिया है। ये वही मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिनके चट्टान जैसे इरादों के सामने न मोदी की चलती है, न ही उनकी मशीनरी काम आती है। देश के राजनीतिक पटल पर जब राहुल गांधी जितनी आबादी उतना हक का नारा बुलंद करते हैं, तब उस विमर्श के पीछे एक कालजयी शख्सियत, एक ताकत के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जी खड़े होते हैं और पूरे देश में सामाजिक न्याय स्थापित करने की मुहिम शुरू हो जाती है। बदलते समय और हालातों के बीच उम्र के एक कठिन पड़ाव पर जिस जज्बे के साथ खड़गे जी ने इंडिया गठबंधन में अपनी अप्रतिम निशानी छोड़ी है, उसने देश को एक गंभीर सियासी समीकरण के लिए प्रतिबद्ध कर दिया है। हम वो पीढ़ी हैं जिन्होंने कांग्रेस के इस विशाल वट वृक्ष को बढ़ता देखा है। हमने वो भरोसा देखा है जहां कर्नाटक के गुरमीत काल सीट से एक नौजवान विधायकी के लिए कांग्रेस के टिकट पर पर्चा भरता है, घूम घूम कर पोस्टर चिपकाता है, गांधी अम्बेडकर के नारे लगाता है, 94,000 के अंतर से चुनाव जीतता है और फिर 50 वर्ष बाद, जी हाँ, 50 वर्ष के सियासी सफर के बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। ये पद, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया, ये पारदर्शिता, ये आजादी इस देश की राजनीतिक, सामाजिक संस्कृति को चरितार्थ करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी वो नाम है जिन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने में बतौर कार्यकर्ता भी काम किया है और बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी सेवाएं दे रहे हैं।